पिछले एपिसोड में हम देखते हैं जो नरूटो है वो अपना बेरन मोड में सक्सेसफुल हो जाता है और वो इशिकी से लड़ने के लिए आ जाता है। अब आगे वीडियो चालू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नरूटो अपने बेरन मोड में आ जाता है और उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं जो सास्के है वो अपने बॉडी से रॉड्स निकालता है और रॉड निकालने के बाद वो नरूटो की ओर देख के कहता है मैंने इसका ये फॉर्म पहले कभी नहीं देखा है, क्या ये इसका नया जुत्सु है, आखिर नरूटो क्या कर रहा है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो इशिकी है वो भी इस फॉर्म को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और इशिकी है वो कहता है वो इतना मास्टर कैसे हो सकता है, और जो नरूटो है वो उससे आगे लड़ने के लिए आ जाता है और वो बोल्टो को सेव कर लेता है एंड देन वो इशिकी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और इशिकी और नरूटो अपने टाइजुत्सु स्किल से एक दूसरे के ऊपर हमला करते जाते हैं एंड जो नरूटो है वो उसके ऊपर भारी पड़ता जाता है एंड नरूटो उसके ऊपर एक किक भी मारता है बट इशिकी का ही सुनने वाला है, इशिकी पीछे जाके उसके ऊपर फिर हमला करता है, देन उनके टाइजुत्सु मूव चालू रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो नरूटो है वो इशिकी से लड़ रहा रहता है एंड उसी फाइट के बीच में जो कुरामा है वो नरूटो को कहता है मेरी बात सुनो, ये जो इशिकी है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का बीस्ट है, अभी इसे हराने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना पड़ा ताकि हम इस एनर्जी को क्रिएट कर सके, और इसी के साथ ही साथ मेरा चक्रा और तुम्हारा चक्रा मिलके हम इस एनर्जी को बना सके, और ये एनर्जी तब तक चलेगी जब तक हम दोनों में से एक की लाइफ या फिर हम दोनों की लाइफ क्यों जाती है तब ये एनर्जी होना बंद हो जाएगा। देन नरूटो उसकी बातें सुन के एग्री करके इशिकी से लड़ने के लिए वापस आ जाता है, देन नरूटो उसको अपने टाइजुत्सु स्किल से इशिकी को बहुत ही ज़्यादा मारा रहता है बट इशिकी पीछे जाके वापस नरूटो के ऊपर हमला करते जाता है क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बट नरूटो भी इस बार बैरन मोड के साथ ही साथ उसको ज़ोरदार पीट रहा रहता है जैसे कि आप देख ही सकते हो, बट जो इशिकी है वो भी नहीं सुनता, वो भी एक के बाद एक टाइजुत्सु मूव करता है बट अब नरूटो उसके ऊपर लगातार टाइजुत्सु मूव यूज करता है जिसके कारण इशिकी के बॉडी से अब ब्लड आना चालू हो जाता है और इशिकी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है एंड अब इशिकी के ऊपर नरूटो एक ज़ोरदार किक मारता है जिसके कारण इशिकी दूर जाके गिर जाता है, और इसी के बाद इशिकी कहता है मुझे कम मत समझो तुम इन्फीरियर क्रिएचर्स, और इसके बाद ही इशिकी उसके ऊपर बहुत सारे क्यूब्स यानी कि वो पत्थर लाना शुरू कर देता है अपने डोजुत्सु के साथ जिसका नाम है सुकोनाही गुना, देन जो नरूटो है वो उस डोजुत्सु से अपने बेरन मोड के पावर से बच जाता है एंड वो उन क्यूब्स को उसके ऊपर ही फेंक देता है, बट जो इशिकी वो भी डॉच कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं फाइट करने के लिए, बट नरूटो फिर उसको एक लात मार के नीचे गिरा देता है एंड देन जो बोल्टो और सास्के वो उसके ऊपर देखते रहते हैं एंड बोल्टो है वो उसको पूछता है कि आपने कभी इसकी डैड की ये पावर देखी है, देन सास्के भी बोलते हैं नहीं मेरी भी ये पहली बार है एंड देन जो इशिकी और नरूटो है उन दोनों की फाइट फिर से चालू होती है एंड अब के सीन में जो इशिकी है वो नरूटो से डायरेक्ट लड़ने आ जाता है बट नरूटो उसको अपने टेल्स की मदद से पकड़ लेता है और नरूटो उसे एक जोरदार घुसा दे देता है जिसके कारण इशिकी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है, बट इशिकी अब जाते जाते नरूटो के ऊपर एक रॉड फेंक देता है जो कि उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है, बट नरूटो उस रॉड को बहुत ही तेज़ी से पकड़ लेता है और इसको देख के सास्के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है ये रॉड को पकड़ना शेरिंगन से भी मुश्किल है, मतलब शेरिंगन होने के बावजूद भी इसे पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट नरूटो ने इसे कैसे पकड़ लिया, और जो सास्के है वो नरूटो की पावर देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और इशिकी भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि नरूटो इतना फास्ट कैसे हो गया है एंड जो नरूटो है वो इशिकी को कहता है कि क्या हुआ तुम डर गए और आ जाओ फाइट के लिए, जो नरूटो है वो इशिकी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाता है और वो इशिकी के ऊपर एक के बाद एक अपने टाइजुत्सु स्किल से हमला कर देता है बट इशिकी भी उसके ऊपर हमला करते जाता है, बट जो नरूटो है वो उसके बेरन मोड के कारण उसके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है और जो इशिकी है वो अपने घुटने के ऊपर लेट जाता है और उसके मुँह से ब्लड आना चालू हो जाता है और जो इशिकी वो नीचे गिर के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की, और वो खड़ा होकर उसके ऊपर फिर से रॉड्स का हमला कर देता है बट नरूटो इस बार भी उसको पकड़ लेता है और इशिकी वो इसे देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर रॉड्स की बौछार कर देता है, बट नरूटो काहे सुनने वाला है, नरूटो भाग के उन रॉड्स को डॉच कर लेता है और रॉड्स को डॉच करते ही करते नरूटो उसके ऊपर उसकी रॉड फेंक देता है बट इशिकी उन रॉड को डॉच कर लेता है, बट नरूटो आसमान में जाके इशिकी को एक जोरदार किक मार देता है जिसके कारण इशिकी एक वाटरफॉल के ऊपर जाके गिर जाता है
और नरूटो वहाँ पे भी आ जाते हैं उसको हराने के लिए, और उन दोनों की ताइजुत्सु बैटल फिर से चालू हो जाती है। और जो नरूटो है उसके ऊपर हावी हो जाता है और नरूटो उसको एक के बाद एक किक मारता है, और एक किक के बाद इशिकी थोड़ा दूर जाके गिरता है और इशिकी उसे फिर से लड़ने आ जाता है। और इस बार नरूटो उसको एक घुसा मार के उसके ऊपर एक रसेंगन मार देता है, और जो इशिकी है उसके सामने बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है और इशिकी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इशिकी उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाता है, और नरूटो उसके सामने चल के आ रहा रहता है। और इशिकी मन ही मन कहता है अब मैं गया, और वो कहता है ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। बट नरूटो उसके सामने जैसे आने वाला रहता है उसके उसको कुछ तो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीक्रेट रूम में अमाडो और कवाकी और बाकी सब रहते हैं। देन अमाडो कवाकी को पूछता है ये तो नरूटो का चक्र हैंड है ना, देन कवाकी कहता है हाँ, और उन लोगों की बातें चलती है। देन वो सभी लोग कहते हैं कि लॉर्ड सेवन कितने अच्छे हैं, उन्होंने कवाकी को एक हाथ दिया यानी कि उसका हाथ किया। देन नेक्स्ट सीन में कवाकी का हाथ ग्लो करने लग जाता है और वो कवाकी कहता है लॉर्ड सेवन का चक्र वीक होना शुरू हो गया है। एंड अगले सीन में बैटलफील्ड का सीन दिखा जाता है जिसमें नरूटो थोड़ा कमज़ोर होने लग जाता है। फिर इशिकी कहता है अब मुझे पता चला तुम्हारे इस पावर से ही तुम कमज़ोर होते जा रहे हो। और इशिकी आगे बढ़ते हुए कहता है अब तुम्हारा कुछ खैर नहीं है। बट जैसे ही इशिकी आगे बढ़ता है उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और वो कहता है ये ब्लड यहाँ पे कैसे आया, ये सब कैसे हो सकता है, तुमने मुझे इतना मारा कि मेरे से खून निकलना चालू हो गया। देन नरूटो कहता है ओ तो क्या हुआ तुम बेट हार रहे हो इशिकी। देन हमें अगले सीन में दिखा जाता है जो कुरामा है वो नरूटो को कहता है नरूटो तुम फिजूल मूव्स यूज़ मत किया करो, ऐसे मूव्स यूज़ करो जो कि इशिकी को हिट हो और वो मूव यूज़फुल हो, इससे हम बैटल में जीतने वाले हैं। फिर नरूटो उसकी बात सुन के इशिकी के ऊपर प्रॉपर तरीके से हमला करना शुरू कर देता है, और नरूटो के मूव्स इशिकी लगने चालू हो जाते हैं और उन दोनों की ताइजुत्सु बैटल फिर से चालू हो जाती है। देन हमें पता चलता है इशिकी कहता है तुमने पहले ही मेरे टाइम को कम कर दिया है, और इशिकी कहता है अब मेरे पास सिर्फ 20 आवर्स ही बाकी है, 20 आवर्स में मुझे कुछ भी करके कवाकी को ढूंढना ही होगा। और ये बोल के वो कहता है इसके अटैक और भी फास्ट हो रहे हैं, ये तो एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। फिर अगले ही सीन में नरूटो थोड़ा वीक होने लग जाता है और इशिकी का फ़ायदा उठा के इशिकी उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसे नीचे पटक देता है, और इशिकी उसे कहता है अब तुम वीक हो चुके हो, अब देखो कौन वो खड़ा है, इशिकी ओत्सुत्सुकी मैं जीत गया और ये बेट भी मैं जीत गया। और ये बोलते ही वो नरूटो को के अपना हाथ आगे करता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीक्रेट रूम में कवाकी के हाथ से कर्मा सील से एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है और कवाकी उस पोर्टल से गायब हो जाता है, और वो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कवाकी वहाँ से कैसे चला गया, और डायरेक्ट कवाकी बैटल फील्ड में आ जाता है। एंड देन नरूटो कवाकी को देख के बहुत ही ज़्यादा शौक होता है कि कवाकी यहाँ पे कैसे आ गया। एंड देन इशिकी कहता है मैंने तुम्हारा चक्र को यूज़ करके कवाकी को लोकेट कर दिया और उसे यहाँ पे बुला लिया, क्यों तुम्हारी वजह से ही मैं ये सब कर पाया। एंड अगले सीन में हम सीक्रेट रूम का सीन देखते हैं जिसमें शिकामारू अमाडो से पूछता है कि कवाकी कहाँ पे चला गया। देन अमाडो उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये इशिकी का भी काम हो सकता है। एंड देन अगले ही सीन में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें कवाकी बैटलफील्ड में आ चुका है, और कवाकी को ये पता चल जाता है कि वही इशिकी ओत्सुत्सुकी है जो कि उसको एक और कर्मा देना चाहता है। और इसे के जो नरूटो है वो कवाकी और देख के कहता है कवाकी भागो यहाँ से नहीं तो ये तुम्हें पकड़ लेगा। देन कवाकी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। एंड देन इशिकी नरूटो के और देख के कहता है तुम चुप बैठो इडियट, और उसे मारना शुरू कर देता है। बट कवाकी वहाँ से कुछ भी कैसे वैसे करके भाग जाता है, बट इशिकी उसे ट्रेस करके उसके सामने आ जाता है और वो कहता है अब भागना यूजलेस है, और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बट वहाँ पे सास्के अपने रेनिंगन से कवाकी को बचा लेता है और कवाकी को कहता है किसी भी जगह पे जाके छुप जाओ, और सास्के एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। देन इशिकी कहता है तुम कितने फूल हो, मेरे पास ब्याकुगन है। बट जब इशिकी उसकी ब्याकुगन यूज़ करता है उसको उसका चक्रा सेंस नहीं होता क्योंकि इस स्मोक पार्टिकल्स में चक्रा सिस्टम ब्लॉक होती है जिसके कारण वो कवाकी को ढूंढ नहीं पाता, और इशिकी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो सास्के को वहीं पर पटक देता है और वो कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और कवाकी कहता है
सॉरी जो सास्के कहता है वो कहता है अब कुछ मिनट और तुम मर जाओगे। देन इशिकी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डायरेक्ट ऊपर आ जाता है और वो बहुत सारे मेटल के रॉड्स इकट्ठा करता है और वो पूरी ज़मीन पे मारना शुरू कर देता है। एंड देन कावाकी बहुत ही दूर जाके भागना शुरू कर देता है और इशिकी उसे ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो जाता है। बट आखिर में इशिकी को नरूटो दिख जाता है तो इशिकी जोरदार जंप लेके नरूटो के ऊपर हमला कर देता है और वो कावाकी को कहता है अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं होकागी को मार दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं होकागी को मार दूंगा। तो ये देख के सास्की भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कावाकी भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कावाकी के पास सिर्फ अभी 20 ही सेकंड बाकी है। और ये सीन होते ही होते कावाकी को उसके पास्ट का सीन याद आता है जिसमें किस तरह जिकिन उसको टॉर्चर करता था और उसे बाहर बुलाता था। एंड ये सीन होने के बावजूद उसको एक और सीन याद आता है जिसमें जिकिन उसे पनिशमेंट देता था और किस तरह बेरहमी से मारता था। और ये सीन होने के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें कावाकी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और नरूटो के हाथ से नरूटो की एक शैडो आती है और वो कावाकी को कहती है कावाकी रिलैक्स करो सब ठीक हो जाएगा। और उसे उसकी पुरानी बातें भी याद आती है कि किस तरह नरूटो कावाकी को एक अपना स्टूडेंट बना लेता है। बट नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो नरूटो कहता है वो बहुत बढ़िया कावाकी कुछ मिनट्स और ये इशिकी मर जाएगा। बट हम अगले इस फाइनल सीन में देखते हैं कावाकी नरूटो को बचाने के लिए लास्ट के 3 सेकंड्स बाकी रहते वक्त वहाँ पे आ जाता है और इशिकी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फाइनल सीन में हम देखते हैं जो नरूटो है वो उसको फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि नरूटो कावाकी को कहता है अब से तुम मेरे स्टूडेंट हो। और इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड यह वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने बुरुटो एनिमे फ्रेंड्स के साथ और आपका ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यह अगर आप फिर भी नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।